क्या कहना है इसी बात त्रिविदा साहब, हम अपनी बहन को डोली में बिठाकर अपने कैसे से पहुंचाना चाहता हूं। क्या बात, आपके घर तक अपनी बहन की डोली किसान। अर्जुन क्या बात है, यह तो सौभाग्य की बात है, आप मेरे घर तक अपनी बहन की डोली पहुंचाओगे जी? आप क्यों नहीं, तो तुम्हारी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए भैया चिंता नहीं करना, बहन की डोली जमींदार के घर गई है, अर्जुन जी गए हैं, और देखना हमारी बहन को अच्छा घर मिला है और भगवान उसे अच्छी परवरिश करेंगे। दोस्तों कहते भगवान की महिमा परम पारे है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो सिर को दिख जाए लेकिन कहना है। अरे के हुक्का बिगाड़ दी, अरे के हुक्का बिगाड़ दी, ये राम ना बिगड़ी है दिल राम नाथ करी के हुक्का पिताजी। शंकर हाँ बेटा, पिताजी आपने देखा है अर्जुन को? जी हाँ, वही अर्जुन है पिताजी जो मेरा सरफर था। सुनो मेरी बात। हाँ कहिए। बस बात के लिए मैं बात में सोचूंगा। अच्छा, लेकिन हाँ क्या, आज तुम्हारी सुहाग रात नहीं होगी, चलो जाओ बॉम्बे, कमा खराब के तुम्हारी सुहाग रात बाद में होगी। शादी मेरी और मेरी सुहाग रात आज नहीं, मैं बॉम्बे चला जाऊं, जब आऊंगा पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो? अरे बेटा सुहाग रात तो किसी दिन हो सकती है, लेकिन आज तुम्हारी सुहाग रात नहीं होगी, इसलिए जाओ बॉम्बे कमा कराओगे, सुहाग रात तुम्हारी किसी दिन मनवा दूंगा, इससे कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी, क्या बात है, आप मेरी बात सुनिए। हाँ क्या बात है? जैसा मैं कह रहा हूं शादी में हुई
गई और किस तरह से उसे छोड़ बेटा कहिए पिताजी। अरे सुहाग रात आज नहीं कल भी हो सकती है पिताजी। शादी तुम्हारे बॉम्बे से आ जाने के बाद तुम्हारी सुहाग रात मैं करवा दूंगा। पिताजी पिताजी आप मेरी बात समझते कहे नहीं। 15 को मैं खेलना चाहता था और आज मेरी शादी हुई, आज मुझे आप बॉम्बे भेज रहे हैं। अरे मानो मेरा कहा, मानो मेरा कहा, मानो मेरा कहा। सुहाग रात तुम्हारी करवाऊंगा। अरे बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी सुहाग रात तो होना ही है। पिताजी आप मेरी बात सुनिए। क्या बात है? 15 से मेरी शादी आज हुई ना, और दुल्हन घर में आई है। हाँ और अच्छी ये ना मेरा फैसला अटल है। मैं कह दिया तुम जाओ, इसका मतलब मेरी सुहाग रात बॉम्बे जाओ, बॉम्बे से कमा कराओगे तुम्हारी सुहाग रात मैं करवा दूंगा। करिए बात है, करिए बात है पिताजी। तुम्हें आज ही बॉम्बे जा रहा हूं, लेकिन जब तक वहां से आना जाऊं 15 का ख्याल रखिएगा। 15 के बगैर मैं जी ही नहीं सकता। बेटा शंकर याद रखो। हेलो, अरे तुम्हारे रात माता ग्रौता पुत्र है, जब तक तुम सुहाग रात नहीं मनाओगे तब तक ये जमींदार सुकून से नहीं बैठ सकता। पिताजी मैं क्या बताऊं, आज आपके कहने के अनुसार मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मैं 15 के बगैर जी भी नहीं सकता। बेटा बॉम्बे चला जाओ और कुछ दिन के बाद वापस आओगे, तुम्हारी सुहाग रात 15 से मैं करवा दूंगा। करिए बात है, ये बात है पिताजी। मैं आज ही बॉम्बे जा रहा हूं। जाओ इसी वक्त जाओ, और 15 का ख्याल करना ये आपके ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार नमस्कार। मेरे साथियों असली खेल का मजा आएगा। शहर मुंबई चला गया है, मजा आएगा।
अब देखिए मैं क्या चाल चलता हूँ। और जाना न जाए कि कभी मेहनत रसूल की, अर्जुन ठाकुर साहब क्या है इस शिवा थे ना हो, हम घर ना घर जाना चाहते हो, घर जाना चाहते हो? अरे बेटा आज रहो, तुम्हारी स्वागत करूंगा। स्वागत? जी हाँ, आज नहीं तो कल अपने घर चले जाइएगा। इसी बात ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए ना, क्या है कहो ना। हम ना क्या कह रहा हूँ ये बात सुनिए। अरे बेटा क्या तुम्हारे बहन का घर है, क्या तुम्हारे बहन का घर है? आज नहीं कल सुबह चले जाना तू अपने घर। आप ये सी न बातें करना नहीं या। छुट्टी दे दो मुझे खरे ठाकुर साहब, तो मैं जानता हूं मेरी बहन खरे। और छुट्टी दे दो अभी खरे जाऊ बात ठाकुर साहब। अर्जुन क्या बात है? चलो मेरे साथ सुबह अपने घर चले जाना। तो ठीक है चले जाना, ठीक है चले। आप लोग नहीं जानते हैं ये अर्जुन मेरे बेटे का सर फोड़ा है, मैं साले तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा, तुझे आज से जिंदा जब तक तेरी धज्जिया उजाड़ नहीं दूंगा। अरे साले कुत्तों को खिलाऊंगा क्या रे? अरे मेरे हक में तूने मेरे हक में तूने अरे पूरा